मैं जानता हूँ दोस्तों कि ये जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा स्ट्रेच की जा रही है, लेकिन दोस्तों अब जो स्टोरी है वो क्लाइमैक्स पर आ पहुंची है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो बबीता के डर से जेठालाल है और बाकी गोकुलधाम सोसाइटी वालों के डर से वो वहां से भागने वाला है, भागने की तैयारी करने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमेशा ऐसा होता है कि जब ये चीज हो रही होती है ना कि हार मान चुके होते हैं कि यार ये प्रॉब्लम तो सोल्व होने ही नहीं वाली, नेक्स्ट डे ही उसका उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर पक्का ऐसा लग रहा है कि जब जेठालाल भाग रहा होगा या भागने की तैयारी कर रहा होगा तो वो जो गाड़ी है वो गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाएगी। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि नट्टू काका बागा और बावरी इन्होंने उस जो कूपन है उसका सोल्यूशन निकाल लिया होगा और वो जो इंक है वो उस कूपन से किसी केमिकल या किसी चीज से उन्होंने दूर कर ली होगी, वो इंक को साफ कर लिया होगा वो कूपन। और ऐसे में दोस्तों पूरे पूरे चांसेस है कि वो कार जो है वो गोकुलधाम सोसाइटी में अब आ जाएगी। लेकिन फिर ये देखने वाला चीज होगा कि भाई जो बबीता जी है वो परमानेंटली उस कार को रखती है या फिर कुछ और बहाना बना देते हैं जिसकी वजह से वो कार नहीं रखते। बट कार तो आने वाली है गोकुलधाम सोसाइटी में, ये बात तो दोस्तों पक्की है।